नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लई भारी। दोस्तों आपका अपना चैनल, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूले ताकि मेटाफोर्स रिगार्डिंग जो भी नया अपडेट आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से आज का जो टॉपिक है, कल लाडो सर का जो वीडियो था जो इवेंट के बारे में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी मुझे यह पता नहीं है वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया, लेकिन मुझे जितना कुछ समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा तो मुझे भी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को समझ में आया भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आया होगा, तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों मेटाफोर्स एक जीवन है। जी हाँ, आप बोलेंगे फिर अभी मेटाफोर्स जीवन कैसे हो सकता है, तो आगे चल के हम सब देखेंगे। लेकिन ये खुद लाडो सर ने कहा कि मेटाफोर्स एक जीवन है, एक लाइफ में हम जो चीज़ें करते हैं वो हम मेटाफोर्स में आने वाले समय में धीरे धीरे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यही बात कही गई कि मेटाफोर्स एक जीवन ही है, ये कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है। जिस तरीके से जीवन में जो भी काम हम करते हैं रोज़मर्रा की, जैसे कि हम मान के चलते कोई क्लास लगाते हैं, कहीं से कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं जो हमें जीवन में लगने वाली है, हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ डांस वगैरह करते हैं या फिर हम गेम वगैरह खेलते हैं, और हमारी जीविका चलने के लिए हम कहीं जाके जॉब करते हैं, ये सभी चीज़ें मेटाफोर्स में है। इसलिए मेटाफोर्स को जीवन कहा गया है। आसान भाषा में समझने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनाइट वर्स ये पहला पड़ाव है कि मेटाफोर्स के ब्रह्मांड में एंट्री करने का। मेटावर्स का मतलब ही ये होता है ब्रह्मांड, और मेटाफोर्स में जो यूनाइटवर्स है इसको ब्रह्मांड कहते हैं, और ये पहला पड़ाव है कि हम मेटाफोर्स जो जीवन है उसके अंदर एंट्री करने के लिए। तो जैसे कि मेटाफोर्स में अभी तक MFS मल्टी माइनिंग प्रोसेस द्वारा हमें दिया गया है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होगा, मेटाफोर्स मेटावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक जब तक मल्टी माइनिंग चालू है तब तक ये मेटावर्स नहीं रहेगा, यूनाइटवर्स ही रहेगा, लेकिन जैसे मल्टी माइनिंग प्रोसेस खलास हो जाएगी फिर ये मेटावर्स में तब्दील हो जाएगा। अभी दोस्तों मेटावर्स क्या है, मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, एक वर्चुअल रियलिटी है, जो हमारी रियल है वही उसी तरीके की वर्चुअल में रियलिटी, इसको मेटावर्स कहा गया है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग है, जैसे कि गेम जोन है, रियल इस्टेट है, ऐसे अलग अलग धीरे धीरे सभी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएगी जैसे हम आगे चलेंगे। आगे समझते हैं, अभी जैसे कि हम सुन रहे हैं माना नाम का भी हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें क्या खास है। दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, और आपको अगर लगा कि वीडियो ये नॉलेजेबल है तो लाइक कमेंट कर देना है और आपके टीम को ज़रूर शेयर कर देना है। तो चलिए हम बात कर रहे थे माना के बारे में। माना क्या है, माना में देखिए इसमें रोबोट होने वाले हैं, अवतार होने वाले हैं, इसमें जैसे कि शॉप होने वाले हैं, बार होने वाले हैं, जैसे भी जो रियल लाइफ में है वही माना में होने वाला है, लेकिन ये वर्चुअल तरीके से हो रहा है, ये पूरा वर्चुअलिटी है। जैसे कि रिपीट कर देता हूँ मैं, अवतार होने वाले हैं, इसमें रोबोट होने वाले हैं, शॉप्स होने वाले हैं, इसमें जैसे कि बार होने वाले हैं, पब्स होने वाले हैं, ये सभी चीज़ें माना में होने वाली है, लेकिन ये वर्चुअल में होने वाली है। जी हाँ, थोड़ा सा सुनने में जो पहली बार सुन रहे हैं उनको अलग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से दौर बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, सब कुछ चीज़ें, कि एक समय था हम बैंक में जाते थे, पर्ची भरते थे, पैसा भरते थे या फिर पैसा निकालते थे, लेकिन आज महीनों तक लोग बैंक में नहीं जाते हैं, लोग ATM में जाते हैं, CDM में जाते हैं, पैसा डालते भी है, निकालते भी है। अभी ये वो टेक्नोलॉजी आने से पहले अगर हम सुनते तो हमें ऐसा लगता कि ये आदमी बेवकूफ लग रहा है। दोस्तों आज से अगर 20 साल पहले किसी को हम बोल देते कि यहाँ से बम्बई मेरे गांव से 350 किलोमीटर है, हम घंटे में पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं था, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अगर ऐसा किसी ने बोल भी दिया तो लोग उस पर हंसते थे। लेकिन आज दोस्तों मैं खुद बॉम्बे से, मेरा जो संभाजीनगर है ये आधा घंटे में फ्लाइट से सफ़र कर चुका हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसी है। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि हमें सभी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। तो चलिए आगे, हमने अभी माना समझ लिया,
और इसमें ये सभी प्रोजेक्ट में से हमें अर्निंग का एक सोर्स मिलने वाला है, एक पर्याय मिलने वाला है और हम इसमें से बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ से हम बड़ा अर्निंग भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक प्रूवन सिस्टम है जो कि ये साबित हो चुका है, ये एक मैं कहूँगा कि ये अलादीन का चिराग है, यानी कि इसको आप जितना बार घिसोगे उतनी बार ये आपको अर्निंग देता है। यानी कि देखिए, जितनी बार आपका स्लॉट भरता है आपको अर्निंग देता है, रिसाइकल होके फिर से भरता है, फिर से अर्निंग देता है, फिर से भरता है, फिर से अर्निंग देता है। ये एक कहीं ना कहीं प्रूवन सिस्टम बन चुका है कि टेक्सटाइल में आप अनगिनत अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं और आपके टीम के लोगों को भी करवा सकते हैं। टेक्सटाइल तो आप सबको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं, टेक्सटाइल गुड के बारे में हम जानेंगे। टेक्सटाइल गुड क्या है? अभी टेक्सटाइल गुड जैसे कि अभी हम मान के चलते हैं हमें जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती है, अभी मान के चलते हैं कि हमें कॉस्मेटिक लगती है, साबुन लगता है, खाने का सामान लगता है, जो भी हमें लगता है वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिलने वाली है। जैसे कि फिर उसमें ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो सभी चीज़ें हमें क्लियर होती रहेगी, लेकिन जो भी हमें लाइफ में लगता है, हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी चीज़ें की आवश्यकता होती है वो चीज़ें यहाँ से मिलने वाली है। और दोस्तों, इसका पर्याय इसलिए किया है कि इसकी लगातार डिमांड होती है, हर किसी को ये चीज़ें लगती है, क्योंकि इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ले ली तो दोबारा नहीं लेंगे, ये बार बार लेना ही है। इसके कारण कंसिस्टेंसी बिजनेस हमारा यहाँ पे रहेगा और लगातार अगर बिजनेस होगा तो लगातार अर्निंग भी होता रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल गुड का निर्माण मिस्टर लाडो सर द्वारा किया गया है। दोस्तों देखिए, अभी जैसे मान के चलते हैं हम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही बार यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे टेक्सटाइल्स गुड में ऐसे प्रोडक्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं और ये बार बार हमें लगने वाले हैं। उसके कारण बिजनेस भी यहाँ पे बार बार होने वाला है, लगातार उसकी डिमांड होती रहेगी और लगातार वो कंज्यूम किए जाएंगे, वो परचेस किए जाएंगे और वहाँ से एक वॉल्यूम जनरेट होगा और वो आपको अर्निंग के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होता रहेगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। दोस्तों कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थोड़ा सा टेक्सटाइल गुड के बारे में बता दूं, टेक्सटाइल गुड में जितने आपके लेवल रहेंगे उतना ज़्यादा लॉयल्टी कैशबैक टोकन आपको यहाँ से मिलेगा। जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे लेवल रहेंगे उतना परसेंटेज आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें लगातार लगने वाले, कहीं से ना कहीं से हम बाय करते हैं तो सिंपल है, हमें वो यहाँ से बाय करनी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे दोस्तों बूस्ट। बूस्ट क्या है? हाँ मैं आपको बता दूँ, टेक्सटाइल गुड्स में यहाँ पे गेम जोन है, अमेनिटीज पार्क है, एडवांस बहुत सारे फीचर्स इसमें टेक्सटाइल गुड्स में होने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे बूस्ट। बूस्ट दोस्तों एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिस तरीके से टेक्सटाइल है, लेकिन बूस्ट में जो अर्निंग की संभावना है वो असीमित है, बहुत स्पोटक है, यानी कि बहुत बड़ी संभावना है। बहुत जल्द आप यहाँ से बूस्ट में से बड़ा अर्निंग आप ले सकते हैं, जो कि एफिलिएट प्रोग्राम है। अब दोस्तों बात करेंगे MFS। MFS जैसे कि आपको पता है ये क्रिप्टो है और हमने ये भी सुना है कि MFS फ्रोजन होने वाला है। तो दोस्तों MFS फ्रोजन होगा यानी कि उतने दिन तक वो होल्ड रहेगा और होल्ड रहने के कारण मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ती है तो आपने क्रिप्टो में सुना भी होगा कि मार्केट में क्रिप्टो का रेट बढ़ने का एक मेव कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना उसका प्राइस इंक्रीज होगा। आप क्या चाहते हैं MFS के बारे में, आपको क्या चाहिए? तो इसी तरीके से MFS को फ्रोजन समय है, उसमें वो फ्रोजन किया जाएगा, उसमें बर्निंग भी है, कुछ कॉइन बर्निंग भी होंगे, जो बर्निंग होंगे वो जो हमारा सप्लाई है उसमें से वो क्वांटिटी कम हो जाएंगी, यानी कि उसको जला दिया जाएगा, फिर उसकी क्वांटिटी कम होगी और कम होगी तो फिर उसका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। अभी जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपको पूरा समझ में आए, कि जैसे हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे सभी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेगी। तो चलिए ओवर रियल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ओवर रियल
दोस्तों ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कोई कोर्स लगाते हैं, डांसिंग या फिर जो भी जिम है, ऐसे अलग अलग कोर्सेस हम लगाते हैं, तो इसी तरीके से इसमें अलग अलग कोर्सेस है जिसमें आप डांस सीख सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग गेम की एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ मतलब जो हमारा जो लाइफ है, जो हम लाइफ में करते हैं वही ओवरऑल, यानी कि हमारा जो लाइफ है ये रियल में है और वो ओवर रियल यानी कि वो वर्चुअल रियल में है, वो सभी चीज़ें हम इस पे करने वाले हैं या फिर हमें वो चीज़ें सब यहाँ पे करने को मिलने वाली है। तो आई होप कि दोस्तों आपको आसान भाषा में लाडो सर ने क्या कहा ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोस्तों लाडो सर के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो भी अवेलेबल है, तो एक दो बार आप उस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ सकता है। कुछ नहीं समझ में आता, कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों कॉल आजकल बहुत आ रहे हैं लेकिन कॉल हम नहीं ले पाते क्योंकि शेड्यूल बिजी होने के कारण, तो प्लीज़ आपका जो भी कहना है आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। कि सबको रिप्लाई देना ये पॉसिबल नहीं होता है लेकिन कमेंट हम पढ़ते ज़रूर है और फिर उस दिशा में हम काम भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि इन्होंने कमेंट किया कि सर ये चीज़ के बारे में हमें जानकारी दो, हम उसका रिप्लाई नहीं दे पाते लेकिन हम उसके ऊपर काम करते हैं और फिर हो सकता है कि उसके ऊपर कोई वीडियो वगैरह है, जो भी है हम कोशिश जरूर ये करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय मेटाफोर्स।